हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर 1 कर रहे थे। देखिए चैप्टर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट कर लिया था। सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे एक्सरसाइज 1.6 तक। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.7। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बेसिकली प्ले लिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 4 मैथ चैप्टर 1 के नेम से, तो वहां से आप सारी वीडियोज एक साथ देख सकते हैं। तो देखो जो हमारा एक्सरसाइज 1.7 है इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इंसर्ट ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस, मींस हमें ये साइन लगाने हैं ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू के साइन। क्लियर। सो जब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें ए वाला, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक ये नंबर दिया हुआ है और एक ये दूसरा नंबर दिया हुआ है। हमें चेक करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर अमंग दीज टू नंबर्स। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है हमारा, देखो पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स चेक कर लो। नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो, देखो इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, टोटल 5 डिजिट्स हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसके डिजिट्स ज्यादा होंगे, सपोज अगर मैं लिख दूं एक जगह 10 और एक जगह लिख दूं 100, तो अगर मान लो आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं इन दो नंबर्स को कि कौन बड़ा है, तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, देखो इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं 3, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ना, तो ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ सब्जेक्ट में सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने के, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मैथड को फॉलो करना चाहते हैं। एक मेथड ये है कि आप डायरेक्ट इस नंबर को पढ़ लें। तो देखो पहले हम 3 नंबर के बाद पहला कॉमा लगा देंगे, तो जब हम 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 23,421। इसमें भी पहले हम 3 नंबर के बाद कॉमा फिर 2 नंबर के बाद, तो इट विल बिकम 4,22,311। तो 4 लाख तो बड़ा होता है ना, तो इस वजह से हमारा ये वाला साइन आ जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप मैथड यूज करना चाह रहे हैं। अब हम करते हैं बी वाले। बी वाले में देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द सेकंड नंबर, सो हमें चेक करना है विच नंबर इज ग्रेटर अमंग दीज टू नंबर्स। तो हम इसको अगर रीड करें तो देखो पहले 3 नंबर के बाद फिर 2 नंबर के बाद कॉमा लगा लो, फिर यहाँ पे भी 3 नंबर के बाद और फिर 2 नंबर के बाद। तो अगर हम इसको रीड करें तो देखो ये 7 लाख है और ये है हमारा 4 लाख। क्लियर, ये 7 लाख, पूरे नंबर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये है 7 लाख और ये है 4 लाख, तो ऑब्वियसली 7 लाख वाला बड़ा होगा ना, तो मींस दिस नंबर इज ग्रेटर, सो वी हैव टू राइट दिस साइन लाइक दिस। ओके, वी हैव टू मार्क अ साइन लाइक दिस। तो आप नंबर रीड करो और सिंपली क्या कर दो, साइन पुट कर दो। इसी तरीके से हम इसको करते हैं, तो देखो पहले कॉमा लगा लो और ये हमने कॉमा लगा लिया, तो देखो सबसे पहले 90 और इसमें है 94, मींस ये है 90,000 के अराउंड और ये है 94,000 के अराउंड, तो 94,000 बड़ा होता है, इस वजह से हम इसमें ये वाला साइन लगाएंगे। देखो जो भी नंबर बड़ा होता है ना, उसमें हम क्या उस साइड उसका एक तरीके से मुंह खोल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने 5 लिखा और यहाँ 7, तो देखो 7 मेरा बड़ा है ना, तो हम कैसा साइन लगाएंगे, इस तरीके से ये हमारा बड़ा साइन हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 24 और 10, तो इसमें कौन बड़ा है हमारा 24 बड़ा है, तो इस वजह से हम इस साइड इस तरीके का हम साइन लगाते हैं। क्लियर, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा साइन हम कब लगाते हैं। अब अगर मैंने 5 लिख दिया और 5 लिख दिया, अब दोनों ही इक्वल है ना, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर इक्वल टू साइन लाइक दिस। क्लियर, तो इस तरीके से ये 3 साइन हमारे काम करते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखा रहने देता हूँ ताकि एक आइडिया हमें मिलता रहे। क्लियर, अब हम करते हैं डी वाला पार्ट। तो डी वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कॉमा लगा लो, इसमें भी कॉमा लगा लो 3-3 नंबर के बाद, तो दिस इज अराउंड 34,000 एंड दिस इज अराउंड 40,000, तो 40,000 वाला हमारा बड़ा होता है, तो इस वजह से हमने इसमें ये वाला साइन लगा दिया। ठीक है, जो बड़ा होगा उसके साइड हमें उसका बस इसका फेस उस साइड ही करना है, जो भी नंबर बड़ा होगा। ई वाले पे आते हैं तो कॉमा लगाओ पहले 3 के बाद और फिर 2 के बाद, है ना, पता है ना इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहले 3 नंबर के बाद और फिर 2 नंबर, तो ये और ये, तो ये अराउंड 7 लाख है और ये अराउंड 8 लाख है, तो 8 लाख इज ग्रेटर देन 7 लाख, देयरफॉर वी हैव टू पुट साइन लाइक दिस। क्लियर, और इसके बाद हम देखते हैं एफ वाले पार्ट को। तो एफ वाले पार्ट में देखें तो पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर यहाँ पे भी 3 के बाद कॉमा, फिर
दो नंबर्स के बाद कॉमा, तो ये है 7 लाख और ये भी 7 लाख। अब दोनों के दोनों सेम है बिकॉज बोथ आर ऑफ 7 लाख। अब इसमें देखें तो ये 28,000, इसमें है 29,000, क्लियर। तो 7 लाख तो दोनों में सेम था, लेकिन एक में था 28,000 और एक में 29,000, और 29,000 वाला हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, तो इस वजह से हम इसमें ये वाला साइन लगा देंगे, क्लियर। तो इस तरीके से ये हो गया एफ वाला पार्ट। अब एफ के बाद देखेंगे तो क्या है हमारा जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है, ये वाले सारे नंबर्स हैं हमारे, तो देखो सबसे पहले कॉमास लगा दो, कॉमास लगा देते हैं, तो ये 3 के बाद और फिर ये 2 के बाद, फिर ये 3 के बाद यहाँ पे भी और ये 2 के बाद, तो देखो 9 लाख 9 लाख दोनों में सेम है। फिर ये इसको इसको पढ़े तो 8,000 और 8,000 दोनों में सेम है। फिर इसके बाद देखें 871 है, 871 और इसमें है 817, तो 800, हमें देखो लास्ट के 3 नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे नंबर तो क्या है हमारे सेम है, इसलिए लास्ट के 3 नंबर से हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो क्या हो रहा है हमारा 871 बड़ा होता है 817 से, तो ये वाला साइन हमारा आ जाएगा क्योंकि 71 बड़ा होता है ना 17 से, 71 इज ग्रेटर देन 17, देयरफॉर वी हैव टू पुट दिस साइन। तो जी वाले का ये हो गया हमारा आंसर। जी के बाद हम देखते हैं एच वाला पार्ट। अब देखो एच वाले पार्ट में हमें क्या करना है, देखो एच वाले पार्ट में अगेन हम वी विल डू द सेम प्रोसेस हियर आल्सो। तो देखो सबसे पहले तो 3 के बाद कॉमा, फिर यहाँ पे भी 3 के बाद, तो ये था हमारा 65,000, ये भी 65,000, फिर ये 321 और ये 313, तो 321 और 313 में से हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो 321 हमारा ज्यादा बड़ा होता है, इस वजह से हमारा ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एच वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम आई वाला, अगेन वी हैव टू पुट द कॉमास, फर्स्ट वी विल पुट the commas after 3 places then 2 places, here also 3 places or 2 places। अब देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी 1 है, 09 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में 09 09 common है, लेकिन इसमें 923 है, इसमें 903 है, तो 923 हमारा क्या होता है, ये जो है ना इसको हमें कंपेयर करने पड़ेंगे लास्ट के 3 नंबर को, तो 923 हमारा बड़ा होता है 903 से, इस वजह से 923 वाला ये ऐसा हमारा साइन आ जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा आई का ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो बस अच्छा इस एक और पार्ट है इसका, जे वाला पार्ट, जे और कर लेते हैं। जे वाले पार्ट में फिर से हम क्या करते हैं, पहले तो ये हमने लगा दिया कॉमा, फिर यहाँ पे भी लगा दिया कॉमा, तो देखो ये तो सबसे ईजी है क्योंकि इसमें 82 है और इसमें 28 है, तो ऑब्वियसली 82 इज ग्रेटर, तो इस वजह से ये वाला हमारा साइन आ जाएगा। तो जे वाला पार्ट भी हमारा हो गया क्या कंप्लीट। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 हो गया हमारा क्या कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और सारे पूरे चैप्टर की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।